नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा एल्ट्रोस का जो डीसीए मतलब डीसीए डुअल क्लच ऑटोमेटिक जो इसका ट्रांसमिशन है उसी का एक मॉडल है XTA। टाटा एल्ट्रोस XTA मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वर्जन के अंदर, आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी फीचर्स जो है आपसे या मुझसे मिस ना हो पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका कलर है ये इसका ओपेरा ब्लू कलर है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। एंड इस कलर के साथ जो है इस कार का जो रोड प्रेजेंस है वो काफी अच्छा और काफी हद तक बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वाले मॉडल में इस कलर का। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है कीलेस एंट्री का फीचर आपको इस वाले मॉडल में मिल जाता है। तो जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दो कीज जो है आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ये दोनों की दोनों जो है कीलेस एंट्री का जो फीचर है मतलब रिमोट की आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ फ्रंट फॉग लैंप DRL साथ में यहाँ पर आपको जो है हैलोजन हेडलैम्प्स के जो फीचर है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ में पियानो ब्लैक हनी क्रोम ग्रिल आपको जो है टाटा एल्ट्रोस के फ्रंट लुक में देखने को मिल जाता है। क्रोम लाइन इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रंट में दिया हुआ है जैसा आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 16 इंचेस का आपको जो है टायर साइज ऑफर किया जाता है व्हील कैप के साथ। सिल्वर कलर का व्हील कैप आप यहां पर देख सकते हैं। साथ में साइड इंडिकेटर जो है बिल्कुल हुड के ऊपर है। तो अगर आप इसका बैक लुक देखेंगे, मैं आपको दोबारा से इसका बैक लुक एक बार आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसका बैक लुक पीछे से दिखने में बहुत ही ज़्यादा इसका जो कार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पीछे से दिखने में। एक मस्कुलर लुक का प्रेजेंस देता है यहाँ पर इसका जो बैक लुक है। और ये कार जो है टोटली अगर आप देखेंगे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है आपके लिए। ये कार जो है बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। तो चलिए एक बार कीलेस एंट्री का जो फीचर है उसका इस्तेमाल करके एक बार इंटीरियर का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने की को प्रेस नहीं किया, वायरलेस फीचर जो है इसका उसका मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो है इसके डोर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग मिल जाता है। साथ में अम्ब्रेला होल्डर बॉटल होल्डर भी यहाँ पर मिल जाता है। साथ में अगर आप इसके डोर का डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल टोन शेड मिल जाता है। साथ में ऑल 4 पावर विंडो का कंट्रोल। साथ में डोर ट्रिम जो है वो आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। इसके जो मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है इस वाले मॉडल के अंदर, XTA वाले मॉडल के अंदर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके जो इंटीरियर है अगर आप यहाँ पर देखिए आपको फुल्ली फैब्रिक सीट्स जो है वो यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। ये देखिए इसका इंटीरियर जो है काफ़ी अच्छा है दिखने में। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको मतलब ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है इसके इंटीरियर पे। साथ में कॉकपिट डिज़ाइन इंटीरियर जो है इसका अगर आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। तो अब कार का इंटीरियर रिव्यू कर लेते हैं अंदर से। जो है मैंने कार को एक बार स्टार्ट कर लिया है आपको एक बार इंटीरियर रिव्यू कराने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है पुश बटन स्टार्ट का जो फीचर है वो यहाँ पर मिल जाता है। साथ में ये जो आप यहाँ पर एक स्विच देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पे ये फॉग लैंप का है। जैसे मैं इसको इसके हेडलैम्प्स को ऑन कर देता हूँ उसके बाद मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये जो इसके फ्रंट फॉग लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। ये फॉग लैंप का स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इसके लाइट्स को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका जो क्लस्टर है यहाँ पर आपको एनालॉग क्लस्टर दिया हुआ है। साथ में जो छोटा सा डिस्प्ले आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है 2.5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे पार्किंग लिखा हुआ है तो कार अभी जो है हमारी पार्किंग मोड पे है ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको रिवर्स पे डाला तो उसके बाद जो है यहाँ पे R लिखा आ गया है। इसके बाद जो है आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है यहाँ पर। तो वापस से मैं इसको पार्किंग पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए वापस से पार्किंग पे आ गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो RPM का मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 मोड्स यहाँ पे दे रखे हैं। आप इसके थ्रू जो है इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी इंटीरियर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉकपिट इंस्पायर्ड इसका जो इंटीरियर है। एंड यहाँ पर आपको हरमन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी FM AM जैसे काफ़ी सारे कनेक्टिंग फीचर्स के साथ आपको 4 स्पीकर का जो 4 स्पीकर आपको हरमन का इसमें आपको मिल जाता है इस वाले मॉडल के अंदर। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो क्लाइमेट AC का जो फीचर है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड टाइप ए एंड 12 वोल्ट चार्जिंग आउटलेट अलग से एक दिया हुआ है आपको। एंड स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो इसका ग्लोव बॉक्स है, यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस जो है इसके अंदर मिल जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके जो डोर है यहाँ पे आपको काफी कूल जो इसका इंटीरियर यहाँ पे है। एंड अगर आप इसका बीच वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा खासा स्पेस जो है यहाँ पर मिल जाता है। ये इसका हैंड ब्रेक है एंड ये इसकी कार का सेंटर लॉकिंग का स्विच है, आप इसको कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। एंड जो इसका गियर नॉब है वो देखिए, यहाँ पर आपको लेदर रैप जो है गियर नॉब यहाँ पर मिल जाता है। इसका फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, मैं आपको इसका एक बार रेयर लुक दिखा देता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल एंड लेफ्ट हैंड साइड पर क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो यहाँ पर मिल जाता है। साथ में स्टेयरिंग जो है आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टेयरिंग जो है आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है कैबिन लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है को ड्राइवर साइड पे। तो अब एक बार इसका जो है बैक सीट उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं एंड देखते हैं कि वहां पर जो है आपको पीछे से दिखने में इसका जो कैबिन है वो इसका डिजाइन किस तरीके से रहेगा। तो चलिए एक बार मैं आपको एक बार इसके जो कार को एक बार लॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इग्निशन जो है इसका पुश बटन स्टार्ट जो है मैंने उसको जो है इग्निशन ऑफ कर दिया है। तो इसका जो सी कैप ओपनर है ये देखिए यहाँ पर, इसको प्रेस करके आप जो है इसके डोर्स को अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके जो सीट्स है ये फुल्ली फैब्रिक सीट्स है, साथ में इसका जो इंटीरियर है पीछे से दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे। एंड जो इसका फ्लोर है वो फ्लैट फ्लोर है बिल्कुल पीछे की तरफ, तो तीन लोग कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा रेयर में जो है पावर आउटलेट जो है रेयर में आपको दिया हुआ है, आप वहां से अपनी पीछे की विंडो ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेयर में आपको जो है पार्किंग कैमरा एंड रेयर में पार्किंग सेंसर मिल जाता है, साथ में DCA का लोगो भी है यहां पे। एंड सेंटर पोर्शन बिल्कुल लोगो के बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ एक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करके आप इसका बूट अनलॉक कर सकते हैं। ये इसका जो ट्रे है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रे बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा आपको 345 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ है, टूल्स जो है बिल्कुल ठीक स्पेयर व्हील के ऊपर की तरफ रखा हुआ है यहाँ पर ब्लैक कलर के पाउच में। तो चलिए इसका जो है मैंने आपको बूट स्पेस तो दिखा दिया, अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि आपको इसमें जो इसका इंजन साइज है वो क्या रहेगा। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर आपको यहाँ पर पेट्रोल इंजन मिल जाता है विद 86 PS पावर के साथ। एंड इसका जो ट्रांसमिशन है, इवन यू आप सभी को पता है इसका जो ट्रांसमिशन है वो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, मतलब DCT ट्रांसमिशन बोलते हैं, टाटा में इसको DCA बोलते हैं, मतलब डुअल क्लच ऑटोमेटिक। बट दोनों ही जो इंजन है वो सेम है, बट अलग अलग ब्रांड में इसको अलग अलग नाम से प्रेजेंट किया गया है। तो अब जानते हैं टाटा एल्ट्रोस का जो XTA मॉडल है उसके प्राइसिंग के बारे में। इस कार का जो एक्स शोरूम है दिल्ली NCR का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9,09,900 एक्स शोरूम प्राइस है। प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे आप दिसंबर के आसपास जाएंगे तो प्राइस कुछ और होगा, जनवरी में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इसका प्राइस है वो एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एक्स शोरूम में फिलहाल आपको अभी का बता रहा हूँ जो इसका प्राइस है वो 9,09,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका रिमोट की है, जैसे मैंने इसको लॉक किया इसके मिरर जो है वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो चुका है, तो ये वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा इस कार की जो स्टैंडर्ड वारंटी है 3 years and 1 lakh kilometer जो है आपको टाटा स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है टाटा एल्ट्रोस में। एंड टाटा मोटर्स की जितनी भी कार है उन सब पे आपको 3 साल 1 lakh kilometer की वारंटी मिलती है। तो मेरी वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच आप सभी का।